नवी मुंबई नेटवर्क। भारत के माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देते हुए उत्पादकों से प्रोडक्ट सीधे आम ग्राहकों तक पहुंचाने के मकसद के साथ नवी मुंबई उत्सव 2022 का जोशो खरोश के साथ आयोजन किया गया है। वाशी स्थित सिडको एग्जीबिशन सेंटर में आयोजित नवी मुंबई उत्सव 2022 का उद्घाटन एरोली के विधायक गणेश नाइक के हाथों सम्पन्न हुआ, जहाँ उनके साथ इस उत्सव को भेंट देने एरोली के प्रथम विधायक संदीप नाइक, पूर्व महापौर सागर नाइक, नवी मुंबई के पूर्व विरोधी पक्ष नेता दशरथ भगत मौजूद रहे। इस दौरान सभी मान्यवरों ने इस प्रदर्शनी का जायजा लेते हुए ग्राहकों के लिए उपलब्ध करवाए गए प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, वैरायटी और हैंडमेड प्रोडक्ट्स का बेहद बारीकी से जायजा लिया। बता दें कि मैन्युफैक्चरर से सीधे ग्राहकों तक उपलब्ध करवाए गए इस एग्जीबिशन में वेरियस फर्नीचर्स, फैशन, ज्वेलरी, लाइफस्टाइल और होम डेकोर प्रोडक्ट्स के साथ एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के साथ ड्राई फ्रूट्स भी प्रदर्शनी में लगाए गए हैं, जिसका गणेश नाइक समेत सभी मान्यवरों ने बारीकी से मुआयना कर इस प्रदर्शनी को बेहद अविस्मरणीय बताया। मीडिया से बात करते हुए गणेश नाइक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के तहत मेड इन इंडिया को बढ़ावा देते हुए देश के लघु सूक्ष्म उद्योग को बढ़ावा दिया है और आज ये प्रदर्शनी इसी का परिचायक और आर्थिक स्थिति मजबूत करने में मील का पत्थर बनकर जरूर साबित होगा। आज शुक्रवार है, शनिवार, इतवार, सोमवार, चार दिन का ये पीरियड रहेगा, छुट्टी का माहौल है, बहुत सारे लोग आके अपनी ज़रूरत की चीज़ें ऐसे खरीदी करके जाएंगे और उनको भी फायदा होगा और एक तरह का यानी एन्जॉयमेंट के साथ में खरीदी। और जो प्रोड्यूसर है माइक्रो लेवल पे, स्मॉल लेवल पे और मीडियम लेवल पे, वो लोगों को बढ़ावा देने का जो केंद्र सरकार का जो इरादा है, माननीय प्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने इस देश के हर हाथ को काम देने का इरादा किया है और उसके माध्यम से देश के अर्थकरण को गति देने का उन्होंने सोचा है, जीडीपी बढ़ाने का सोचा है, तो ऐसे स्थिति में लोग कार्यमग्न रहेंगे, कुछ अच्छा निर्माण करेंगे, रोजगार मिलेगा और उससे आनंद भी मिलेगा। वहीं इस दौरान इस प्रदर्शनी से अभिभूत गणेश नाइक ने कहा कि लोगों की कला दिखाने, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ये प्रदर्शनी मील का पत्थर बनकर साबित हुआ है। हैंडमेड चीजें बहुत है, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हैं, जिसमें अपने खुद के पर्पस के लिए यानी अरोमा की चीजें हैं, कई शैम्पूज है, लिक्विड सोप है, सोप है, चादर है, टॉवेल है, जूते हैं, ऐसे मतलब जो चीज़ें ज़माने में गांव में आके लोग बना अपने सामने बना के अपने को देते थे, अभी वो चीज़ यहाँ पे उपलब्ध होने वाली है, देख के अच्छा लगा और लोग जो भी आए हैं लोगों को अपनी कला दिखाने के लिए, अपना थोड़ा छोटा मोटा व्यापार करने के लिए, उनके चेहरे पे आत्मविश्वास मुझे दिखा। और यहाँ पे जिन्होंने आयोजन किया है ये हमारे ऐसे परिचित ही हैं, तलवार जी है और सचदेव जी हैं, इनको मैं शुभकामना देता हूँ कि ऐसे ही हर साल में वक्त वक्त पे ऐसे एग्जीबिशन का निर्माण करो और लोगों को आगे बढ़ने का मौका दो। बता दें कि 12 से 15 अगस्त तक इस प्रदर्शनी का आयोजन वाशी स्थित सिडको एग्जीबिशन सेंटर में किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।